क्या आप भी फेसबुक मैसेंजर में लॉगिन करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक मैसेंजर में लॉगिन कैसे कर सकते हैं, वहां पर कैसे साइन अप कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहां देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहां पर देखिए हम अपने फेसबुक मैसेंजर में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, अपनी आईडी को कैसे यहां पर लॉगिन कर सकते हैं, वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मैसेंजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप जाएंगे प्ले स्टोर पे तो वहां पर मैसेंजर सर्च करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा इसका। तो यहां पर देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन दिखेगा, इसको ओपन कर लेना है। जैसे जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल में एक से अधिक आपने यहां पर फेसबुक आईडी बना रखी है तो देखिए आपको यहां पर वो फेसबुक आईडी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास एक ही फेसबुक आईडी है तो वो एक ही यहां पर शो होगी। अब जिस भी फेसबुक आईडी के साथ यहां पर लॉगिन करना चाहते हैं तो उस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहां पर मैं फर्स्ट वाली फेसबुक आईडी के साथ यहां पर लॉगिन करना चाहता हूं। सो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस नजर आएगा। सो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। नीचे टर्न ऑन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन अलाउ आपको कर देना है, इस तरीके से अलाउ परमिशन दे देना है। अभी देखिए जो हमारी फेसबुक आईडी है, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे मैसेंजर में लॉग इन हो गई। सो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली स्टेप में यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं। चलिए अगर आपको लॉग इन करने में कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर देखिए दूसरी आईडी को भी मैं लॉग इन करके दिखा देता हूँ। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं आप दूसरी आईडी को, जस्ट अगर आपके पास कई आईडी है दूसरी आईडी को भी आप लॉग इन करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आएंगे स्टोरेज पर, फिर से क्लिक करके आपको यहां पर क्लियर डाटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। सो आपका जो डाटा होगा वो अब यहां से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहां से बैक आते हैं। अब हम अपनी दूसरी आईडी को भी यहीं पर आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं मैसेंजर पर, और जैसे देखिए हम मैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर अगर हम यहां पर देखिए अपनी दूसरी वाली आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, देखिए हम दूसरी वाली आईडी पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए जो हमारी दूसरी आईडी है यहां देखिए प्रोसेस हो रही है। देन दूसरी आईडी भी यहां पर साइन इन होने वाली है। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेव योर लॉगिन इन्फो, आप चाहे सेव कर सकते हैं या नोट डाउन भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेव कर क्लिक करेंगे, टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे अलाउ मांग रहा है एक्सेस योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। जस्ट देखिए आपकी दूसरी आईडी इस तरीके से लॉग आउट हो जाएगी और यहाँ पर दूसरी लॉग इन हो जाएगी। सो आप अपनी दूसरी भी यहाँ से इस तरीके से लॉग इन कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।